अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तज़ीन्स किचन। आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करूँगी कैरी की, जो है कैरी लीमू और हरी मिर्ची और लहसुन का अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जीरा डाल दिया था साबित, 1 टेबलस्पून मैंने कलौंजी डाली थी, 1 टेबलस्पून रायदाना और 1 सालन का चमचा जो है वो नमक डाल दिया था, सही है। अच्छा, इसमें मैंने हल्दी 1 चमचा सालन का डाल के और जो है ना हल्दी डाल के और इसको जो है ना वो कर दिया था मैंने, इसको लगा के धूप में रख दिया था, 2 से 3 दिन मैंने धूप में रखा इसको, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी, मसाले जो डालूंगी वो मैं आपको बता दूंगी। इस चमचे से मैंने इसमें 1 चमचा नमक डाला और इसी चमचे से मैंने इसमें जो है 1 चमचा जो है वो डाला है हल्दी, ठीक है। अच्छा, ये जो है हमारे पास जो है कैरी के फांके हैं। अच्छा, इसमें मसाला हमने तैयार किया है 1 चमचा ज़ीरा है, ज़ीरा है इसमें 1 चमचा पिसा हुआ भुना हुआ कुटा हुआ, सही है, और 1 चमचा इसमें रायदाना है भुना हुआ, सही है, ये डाल दिया। इसमें मसाले हम ऐड कर देंगे, इसमें 1 इसी चमचे के थ्रू जो है वो लाल मिर्ची का लाल मिर्ची जाएगी, इसी चमचे के थ्रू जो है नमक जाएगी, नमक भी जाएगा, ये मैं आपको दिखाऊंगी, सही है। 1 इसी तरह चमचे से नाप नाप के मैंने डाला है इसमें, ठीक है। ये मिर्ची है, नमक है, ज़ीरा है और राई है, ये पिसी हुई है, सबको मैंने भून के पिसा है, ठीक है। अब मैं इसमें मसाला ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैंने इसमें सरसों का तेल डाल दिया था 4 कप, ठीक है, 4 कप मैंने सरसों का तेल डाला था, सरसों के तेल को अच्छी तरह मैंने कड़कड़ा लिया था। उसके बाद मैंने इसको 4 कप डाला है तेल, और तेल इसमें ऊपर रहना चाहिए क्योंकि तेल आप इसमें नहीं रख सकते ना, ज़्यादा रखना है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप छोड़ देंगे ना तो तेल में फिर कैरियाँ जो है ना वो फपुन लग जाती है उसके अंदर, तो ये एहतियात आपने लाजमी करनी है, ठीक है। और प्लास्टिक के बर्तन में रखें अचार या मिट्टी के बर्तन मर्तबान में रखें, ठीक है, इट्स अप टू यू, लेकिन आपने स्टील के चमचे से या लकड़ी के चमचे से आपने इसको हिलाना है, प्लास्टिक का चमचा इस्तेमाल मत कीजिएगा, सही है। मिक्स कर दिया और ये मसाला हम इसमें लगा देंगे, मसाला लगाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे, उसके बाद हम इसमें तेल का बघार लगाएंगे, बघार में भी वही 1 टेबलस्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून रायदाना, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और कड़ी पत्ते के 5-6 पीसेस और कड़ी लीव्स के, ठीक है, और इसके अलावा गोल मिर्चें 4-5, ठीक है। इसका हम बघार लगा देंगे, ये देखिए ये बघार लगा के मैंने इसको मर्तबान में भर के रख दिया था, प्लास्टिक का एक था तो इसमें मैंने भर के रख दिया। अब मैं इसको 1 हफ़्ते के बाद जो है इसको मैं चेक करूँगी, थोड़ा सा आगे पीछे करके थोड़ा सा हिला के इसको, और तेल इस पर ऊपर रहना चाहिए, सही है। मज़ेदार सा अचार बनेगा ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह।